जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भवसार। शर्ट प्रेस करने की वीडियो मैंने इससे पहले भी अपलोड की है हमारे चैनल पर, बट मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ ना लोगों को, यहाँ पे लोग जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं ना, तब उनसे शर्ट आयरन नहीं होता है ठीक से, शर्ट फोल्ड नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए है शर्ट को अच्छे से फोल्ड करना। अगर कहीं आयरन घुमाना हम भूल भी गए ना, कहीं क्रीज रह भी गया तो चल जाएगा, बट जब कस्टमर देखता है अच्छा सा फोल्ड है तो फिर ज़्यादा उसके मन में डाउट्स और कंफ्यूजन नहीं होती है, आराम से कस्टमर ले जाते हैं। बट अगर हमें फोल्ड ही सही से नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। तो आयरनिंग की काफ़ी सारी वीडियोज बनाई है, बट ये वीडियो जो है ना, हम ज़्यादातर फोल्ड के ऊपर फोकस करने वाले हैं। पहले मैं शर्ट की आयरनिंग आपको दिखा देता हूँ, बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। कभी भी शर्ट अगर ब्रास आयरन से आयरन करो ना, तो कॉलर की पिछली साइड में ही आयरन आपको करना है। और हाँ दोस्तों, ये लास्ट शर्ट है और मेरा ही शर्ट है दोस्तों, और ये काफ़ी सारे ड्राई क्लीनिंग के कपड़े और घर के भी कपड़े आयरन हो गए हैं, बट शर्ट आयरनिंग से आयरनिंग को लेके काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है शर्ट आयरनिंग करने से रिलेटेड, तो इसी के ऊपर आज हम वीडियो फोकस करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉलर की पिछली साइड, हम आयरन करेंगे, और कॉटन लेनिन पर हमने सिलेक्ट कर दिया है दोस्तों। फिर उसके बाद में पिछली साइड होने के बाद में ये फ्रंट साइड आयरन करनी है दोस्तों। कभी होता है कि ज़्यादा आयरन हमारी गर्म होती है तो यहाँ पे रखने से कपड़ा जल सकता है, तो इसीलिए हम पीछे पहले रखते हैं, मतलब ज़्यादा आयरन गर्म है तो हमें अंदाज़ा आ जाएगा, और कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो पीछे दिखता नहीं है ज़्यादा इसीलिए। और शोल्डर आयरन करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको परफेक्ट आयरन करना है तो शोल्डर इस तरह से आयरन कीजिए। बाकी शोल्डर आयरन करने में एक शॉर्टकट भी है दोस्तों, ये आयरन हमने यहाँ पे कॉलर पर लिया और इस यहाँ पे आयरन कर दिया, ये शॉर्टकट है दोस्तों। बट अगर अलग से शोल्डर आयरन करोगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। और ये शर्ट में कभी भी आपको अगर क्रीज ज़्यादा होना तो इस तरह से अपनी दोनों उंगलियां, चारों उंगलियां हाँ शर्ट में डाल के इस तरह से इसका सारा कुछ फोल्ड है ना, वो आप अगर फोल्ड हुआ होगा, क्रीज हुई होगी, तो ये इस तरह से साफ हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे आयरन कर दिया स्लीव में, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, लेंथी वीडियो हो सकती है, क्योंकि मुझे अच्छे से आपको ये समझाना भी है दोस्तों। तो ये शर्ट का हमने स्लीव अच्छे से आयरन कर दिया, अभी ये पार्ट है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा आपने सही से देखना है। पहले तो ये आयरन हम करेंगे सीधा, ये जो पार्ट आएगा ना शर्ट के नीचे आने वाला पोर्शन है दोस्तों, और ये जो बॉटम है ना शर्ट का, वो भी अच्छे से आयरन कर देंगे। और सिर्फ हमने इतना आयरन किया है और इतना आयरन किया है दोस्तों, फिर हम शर्ट का ये पार्ट यहाँ पे रखेंगे, इसको अच्छे से आयरन हम करेंगे। ये हो गया, और ये जब पार्ट रखते हैं ना दोस्तों हम यहाँ पे, तो हमें बटन की भी एक अंदाजा ले लेना है कि ये हमारा बटन के ऊपर ही आएगा दोस्तों।
तब भी आपका फोल्ड बेस्ट आएगा। तो ये हो गया और देख लीजिए दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पे ये रखा था। अगर इस तरह से रखोगे तो ये कंप्लीट इसके नीचे आ रहा है दोस्तों। तो ये नीचे आने के बाद में क्या होता है कि कभी हमने ये बटन वगैरह नहीं भी लगाए, हमें ज्यादा जल्दी है, ज्यादा कपड़े आयरन करने हैं, तो ये बटन हमने नहीं भी लगाए तो भी काम बन जाएगा हमारा। इस तरह से ये शर्ट इसके ऊपर पहले से ही रख देना है दोस्तों। अभी ये जो है ना पलटना, ये शर्ट को पलटना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, बट उसी में ज्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। तो ये शर्ट जो पलटा जाता है ना, मैं इस तरह से पलटता हूँ दोस्तों, इस तरह से पलटता हूँ, फिर इस तरह से इसको इस तरह से कर लेता हूँ दोस्तों। बट जब आप प्रो कैटेगरी के आयरनिंग करने लगोगे ना, तभी आपको करना है दोस्तों, ये इस तरह से ऐसा पलटाना है, ओके। बट अगर आप नए आयरन करने वाले हो, मतलब आप अगर बिल्कुल ही नए सीख रहे हो, तो आप ये कीजिए, यहाँ पे पकड़िए और यहाँ पे पकड़िए, दोनों साइड में पकड़िए, शर्ट को ऊपर उठाइए और इसको इस तरह से झटका दीजिए दोस्तों। तो ये झटका देने के बाद में इस तरह से ये शर्ट आपका आ जाएगा और इसके ऊपर आयरन आपको घुमाना है और आयरन करना है दोस्तों। देखिए दो टाइप से हम शर्ट को पलटा सकते हैं, एक तो इस तरह से देख लीजिए, बट शर्ट को थोड़ा सा झटका देना पड़ेगा हमें, तब जाके ये पूरा पार्ट है ना खुल जाएगा। और एक दूसरा तरीका है ये इस तरह से, ये ज्यादा जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप इस तरह से शर्ट को उठा के झटके से इस तरह से रख सकते हो दोस्तों। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तब कर सकते हैं ये, और जब आपको समझो सीख रहे हो आप, तो इस तरह से इस शर्ट को इस तरह से उठाइए, इसको इस तरह से झटका दीजिए और इस तरह से शर्ट यहाँ पे रख दीजिए दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे शर्ट पे आयरन कर लेते हैं। और ये जो शर्ट को पलटना है ना, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है दोस्तों, काफी मशक्कत करनी पड़ती है ये सिखाने में। तो आप और एक बार वीडियो को देख सकते हैं और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो और अगर आपको फोल्ड में दिक्कत आती है ना, तो इस तरह से कोई भी एक कार्ड बोर्ड काट लीजिए कि हमें इतना ही फोल्ड आना चाहिए हमारा, कार्डबोर्ड काट लीजिए, थोड़ा सा रफ रहेगा वो, तो आपको अच्छे से अंदाजा आ जाएगा कि कितना फोल्ड हमें करना है। तो मैं तो नॉर्मली पेपर लेता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए है, विदाउट पेपर के आयरन करूंगा मैं शर्ट को फोल्ड करूंगा, क्योंकि मेरा ही शर्ट है, कस्टमर का नहीं है। तो इस तरह से, और अगर कार्डबोर्ड अगर आपने डाला समझो, तो आप यहाँ से उसको वापस से निकाल भी सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा आपका शर्ट फोल्ड करने का। और इसको हमने बटन भी नहीं लगाया दोस्तों, तो इसको हमने बटन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है दोस्तों। तो देख लीजिए, इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियोस अगर आपको और भी ज्यादा देखने हैं ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। मेरी नजर में आयरनिंग से ज्यादा फोल्डिंग और फिनिशिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूजफुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।